अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स 24। कैराना, जी हां, वो कैराना जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में छाया रहा। पलायन का मुद्दा कैराना में कितना बड़ा था, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कितना बड़ा था और ये सीट बीजेपी के लिए, दूसरी पार्टी के लिए कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आगे आने वाले समय में लगाया जाएगा। प्रत्याशी घोषित होकर आए हैं प्रदीप चौधरी, गंगो के विधायक। कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं प्रदीप जी, क्योंकि टिकट खो चुका है, अब चुनौतियां और ज्यादा बड़ी होने वाली है। हमारे लिए चुनाव में चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमारा लक्ष्य समान रूप से काम करने का रहता है और उसी लक्ष्य को पार पाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी फौज भारतीय जनता पार्टी की है। उस लक्ष्य को निश्चित रूप से पार करने का काम करेंगे। हमारे योद्धा, हमारे संगठनात्मक, हमारे साथी रंग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस रण को जीतने के लिए तैयार बैठे। उपचुनाव इस बात की गवाही नहीं दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत चुकी थी। महागठबंधन है, तमाम वोट बैंक है, किस लिहाज से लेकर आप अपनी जो बात बीत गई उसे छोड़िएगा, अब अगली बात पर हम लोग लगने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग जीत हासिल करने का काम करेंगे। गंगो से बड़ी सीट है क्योंकि बहुत ज्यादा मतदाता है यहाँ पर, किस तरीके से पूरा चुनाव कैंपेन होगा? मतदाता निश्चित रूप से ज्यादा होते हैं, कोई कहने की बात मेरी बात नहीं है, लेकिन लक्ष्य जब आदमी लेकर के चलता है और लक्ष्य को लेकर के पार पाने के लिए जी जान से लगता है और मन में संकल्प लेकर के चलता है तो निश्चित रूप से वो संकल्प भी उनका पूरा। हाल ही में खबर आई कि मृगांका सिंह जो है कैराना में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुटी हुई है, कि कांग्रेस में जाने की खबर है, कुछ मान मनोबल होगा, कोई नाराजगी है उनके अंदर? ऐसी कोई बात नहीं है, मृगांका जी हमारी पार्टी की नेत्री हैं और अच्छे तरीके से उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा है और पार्टी ने अगली बार उनको बदल करके हमारे ऊपर विश्वास किया है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मृगांका जी हमसे अलग जाएंगी, हमारी पार्टी की नेता है, वो हमारी पार्टी के साथ रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखना होगा कैराना किस तरीके से जीता है।